वेलकम टू माय चैनल फार्म नॉलेज वर्ल्ड। मेरा नाम है मृतला और आज का हमारा टॉपिक है लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लंग वॉल्यूम को बेसिकली हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम भी कहते हैं। लंग वॉल्यूम बेसिकली होता है आपका एक रेस्पिरेटरी साइकिल जब चल रही होती है उस गिवन टाइम में लंग्स के अंदर आपके गैस का क्या वॉल्यूम प्रेजेंट है, ठीक। और लंग कैपेसिटी बेसिकली होती है आपकी दो या दो से ज्यादा लंग वॉल्यूम के एडिशन को, मतलब दो या दो से ज्यादा लंग वॉल्यूम मिलके आपका लंग कैपेसिटी डिटरमाइन करते हैं। जो एवरेज टोटल लंग कैपेसिटी होती है एक एडल्ट की वो लगभग आपकी होती है 6 लीटर्स, ठीक। मतलब 6 लीटर ऑफ एयर जो होता है वो आपके एक एडल्ट ह्यूमन के लंग्स में प्रेजेंट होता है। लंग वॉल्यूम जो होता है बेसिकली आपका वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन की रेस्पिरेशन की डेप्थ क्या है, जेंडर क्या है, मतलब मेल है फीमेल है चाइल्ड है, एज क्या है और बॉडी का कॉम्पोजिशन, और उसके अलावा कुछ डिसीजेस के बेसिस पे आपका लंग वॉल्यूम वेरी कर सकता है। लंग वॉल्यूम जो होता है उसका मेजरमेंट आपको बेसिकली पार्ट होता है ये चेक करने का कि पल्मोनरी फंक्शन कैसा है, मतलब पल्मोनरी फंक्शन जो है वो हेल्दी है, मतलब ह्यूमन की रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रही है। आप लंग्स में जो अमाउंट प्रेजेंट होता है एयर का उसको फर्दर सब डिवाइड किया गया है 4 वॉल्यूम्स और 4 कैपेसिटीज में। 4 वॉल्यूम्स के अंदर आपके आते हैं टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, और 4 कैपेसिटीज के अंदर आपके आते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी, उसके अलावा है फंक्शन रेसिडुअल कैपेसिटी। जो टाइडल वॉल्यूम है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है उसको हम मेजर करते हैं स्पायरोमेट्री से। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो एयर का वॉल्यूम होता है, मतलब कि वो अमाउंट होता है एयर का जो कि आपको फोर्सफुली इनहेल्ड हो सकता है आफ्टर एक नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, मतलब एक नॉर्मल पर्सन जो एयर इनहेल कर रहा होता है एक रेस्पिरेटरी साइकिल की ड्यूरेशन, उसके बाद जो फोर्सफुली आप एयर इनहेल करते हो उसे कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होते हैं वो मेनली आपका यूज होता है डीप ब्रीथिंग के समय, ठीक। और एक नॉर्मल एडल्ट की वैल्यू होती है लगभग 1900 to 3300 ml अमाउंट जो होता है या वॉल्यूम वो इनहेल कर सकता है आफ्टर एक नॉर्मल इनहेलेशन के बाद, ठीक। थर्ड है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये वो वॉल्यूम होता है एयर का जो कि आप एक्सेल कर सकते हो एक नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के बाद, मतलब कि नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद एक जो वॉल्यूम आप एयर का एक बाहर कर सकते हो एक्सेल कर सकते हो उसे कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक नॉर्मल एडल्ट में ये वैल्यू होता है अबाउट 700 to 1200 ml। और ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है ओबेसिटी, मतलब जब पर्सन मोटा होता है या फिर कोई अपर एब्डोमिनल सर्जरी हुई होती है तो। नेक्स्ट है आपका रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो होता है एक मैक्सिमम जब एयर आप एक्सेल कर चुके होते हो, मतलब कि आप बॉडी से निकाल चुके, लंग्स जो होता है निकाल चुका होता है, उसके बाद जो वॉल्यूम बचता है एयर का उसे कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक। और एक नॉर्मल एडल्ट वैल्यू जो होती है वो लगभग होती है 1200 ml, ठीक। अब देख टोटल लंग कैपेसिटी होती है बेसिकली जो भी मैक्सिमम एयर लंग्स अपने अंदर रख सकता है या फिर एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद जो मैक्सिमम वॉल्यूम एयर की प्रेजेंट होती है लंग्स में उसे ही कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। और नॉर्मल टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है अबाउट 6000 ml होती है, और ये आपका सम टोटल होता है टाइडल वॉल्यूम,
प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, मतलब कि टोटल जो आपको एयर इनहेल करते हैं एक्सहेल करते हैं और जो टोटल एयर आप क्या कहते हैं कि इनहेल कर रहे होते हैं आफ्टर एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद, और टोटल वॉल्यूम एयर का जो कि आप एक्सहेल करते हैं एक नॉर्मल नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, और जो एयर आपके मैक्सिमम फोर्सफुली एक्सपिरेशन के बाद जो लंग्स में बचता है वो जो पूरा सम टोटल होता है तो वो आपको टोटल लंग कैपेसिटी देता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है एयर की वो मैक्सिमम वॉल्यूम जो कि इनहेल की जा सकती है एक रेस्टिंग स्टेट अटेंड करने के लिए, मतलब कि आप इनहेल करते हैं और उसके बाद आप रेस्टिंग स्टेट में जाते हैं, और ये बेसिकली कैलकुलेट होता है आपको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को सम करके। मतलब कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बेसिकली क्या है, आपकी सम है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम की। उसके बाद आता है आपका वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी बेसिकली आपका वो अमाउंट होता है एयर का जो कि मैक्सिमम इनहेलेशन के बाद आप जिस एयर को एक्सहेल करते हैं मतलब बाहर की तरफ, और इसकी वैल्यू होती है अबाउट 4800 ml, और ये वेरी करता है एज के अकॉर्डिंग और बॉडी साइज के अकॉर्डिंग। तो वाइटल कैपेसिटी क्या हो गई, आपकी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक, और ये जो वाइटल कैपेसिटी होती है वो डिटरमाइन करती है कि आप कितनी डीपली ब्रीथ कर सकते हैं और कफिंग के ड्यूरेशन में आप कैसे ब्रीथ करते हैं और वो कैसे आपके मतलब कि रिफ्लेक्ट करता है इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी मसल स्ट्रेंथ को। ठीक है, लास्ट आपकी लंग कैपेसिटी है वो है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो ये होता है आपका वो एयर का अमाउंट जो लंग्स में एक नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद बचता है, और इसको कैलकुलेट करते हैं हम रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड करके। ठीक, और एक नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो होती है अबाउट 1800 to 2200 ml। तो ये था अबाउट आपकी लंग कैपेसिटी और लंग वॉल्यूम के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।